नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं दीपक डोभाल। उम्मीद थी कि कर्नाटक का सियासी नाटक आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये पूरा ड्रामेटिक घटनाक्रम अपने क्लाइमेक्स पर जरूर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आखिरकार बागी विधायकों और स्पीकर का आमना सामना हो ही गया। शाम 6 बजे के आसपास बागी विधायक स्पीकर रमेश कुमार से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने इस्तीफे का कारण बताया, जैसा वो जानना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को भी निर्देश दिया था कि आज ही विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर ने अपनी ही व्यथा सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि धीमी सुनवाई के आरोपों से वो दुखी हैं और उनका काम किसी को बचाना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस आरोप को दोहराया कि 8 विधायकों के इस्तीफे प्रारूप में नहीं है। विधायकों के इस्तीफे पर कर्नाटक के स्पीकर का नया पैतरा भी चल दिया गया है। 10 बाकी विधायकों से मुलाकात के बाद वो बोले कि इस्तीफे की जांच के लिए उन्हें पूरी रात चाहिए। इधर कर्नाटक में कांग्रेस की कलह के साइड इफेक्ट अब बाकी राज्यों में भी दिखने लगे हैं। गोवा में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इस तरह 40 विधानसभा सीट वाली गोवा विधानसभा में बीजेपी के पास अब 27 विधायक हो गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर उसके विधायकों को खरीद फरोख्त के जरिए तोड़ने का आरोप लगाया। संसद में कांग्रेस सांसदों ने धरना दिया। टीएमसी, एनसीपी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने भी धरने में शामिल हुए, तो राज्यसभा से कांग्रेस का वॉकआउट हुआ। और इस सब के बीच कांग्रेस में नेतृत्व का संकट बरकरार है। सवाल यह है कि क्या नेतृत्व संकट की वजह से ही कांग्रेस विधायक बेलगाम होकर इधर उधर छिटक रहे हैं? क्या बीजेपी का यह आरोप सही है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से कर्नाटक में संकट पैदा हुआ है? और कर्नाटक में स्पीकर इस्तीफों को स्वीकार आखिर क्यों नहीं कर रहे, और इस्तीफों को स्वीकार करने में देरी कर क्या वो लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर होगी आज देश की बात। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल है। सबसे पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से करा देते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र तनेजा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं शुभ्रांश राय, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। शुभ्रांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के और संविधान के जानकार भी हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं संतोष के जॉय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। संतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अंकुश श्रीवास्तव, संपादक नवोदय टाइम्स के, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी, आपका भी। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा अपडेट ले लेते हैं। बेंगलुरु से हमारी संवाददाता निशिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। निशिता, पहले लबुल हुआ बताएं, जस्ट बताएं, क्या कहा है स्पीकर ने और क्या उन्होंने कुछ कहा है इस्तीफों को स्वीकार करने को लेकर? कुछ कहा है क्या उन्होंने? हाइलाइट्स जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने में स्पीकर ने ये बताया है कि पहले तो वो अपना समय लेंगे डिसीजन लेने के लिए कि ये रेसिग्नेशंस एक्सेप्ट वो करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है और ये इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने रिबेल MLAs को भी क्वेश्चन किया कि क्यों ये गवर्नर के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, लेकिन इनसे फेस टू फेस मिलने की कोशिश तक नहीं की। स्पीकर का ये कहना था कि वो बैठे थे अपने चेंबर में 6th आफ्टरनून तक, 12 बजे तक वो थे वहाँ पर, लेकिन किसी ने भी उनसे परमिशन नहीं ली थी, किसी ने भी उनसे अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, क्योंकि वो 1 बजे के बाद नहीं थे। इन MLAs ने गवर्नर को जाके मिला और उसके बाद वो मुंबई चले गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। इसलिए उन्होंने बताया कि वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे और वो सुपर फास्ट कंप्यूटर के स्पीड से काम नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट ये होगा कि कल मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, क्या ये रिबेल MLAs आएंगे, क्योंकि विप जारी हो गई है। और स्पीकर से जब ये पूछा गया कि कल वो अगर नहीं आएंगे, कल वो अगर नहीं प्रेजेंट होंगे, तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या वो डेंजर रहेगा इन रिबेल MLAs के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन होगा अगर कोई रूलिंग पार्टी से, JDS या कांग्रेस से एक रिक्वेस्ट भेजे स्पीकर के और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उनके उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो कल क्या रिबेल MLAs आएंगे बेंगलुरु में? येडियुरप्पा का ये कहना है कि वो इस मीटिंग के बाद मुंबई चले जाएंगे, लेकिन
कल वो अगर नहीं आए या कोई फ्लोर टेस्ट बुलाया गया, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी ने मूव किया और उन्होंने अगेंस्ट कोएलिशन वोट किया तो भी ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और स्पीकर ने ये भी बताया कि आज का जो मीटिंग है वो लास्ट मीटिंग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाया, लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें फेस टू फेस वन ऑन वन मीटिंग होना चाहिए तो वो भी करेंगे। तो शायद एक या दो दिन में खत्म होने की बात ऐसी नहीं लगती। ठीक है, तो यानी कि 16 विधायकों के इस्तीफे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इस्तीफे को लेकर विधानसभा का अध्यक्ष का फैसला बाकी है। उन्होंने कहा है कि वो अपना समय लेंगे और कंप्यूटर की स्पीड से वो काम नहीं कर सकते, अपना टाइम वो लेंगे। और इस तरह से विधानसभा में सदस्यों की संख्या इस तरह से अभी 224 ही मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए निश्चिता आपका। और अब मैं आना चाहूंगा विराग जी आपके पास, और जो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है स्पीकर ने, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, उन्होंने सिर्फ निर्देश दिया है आज फैसला लेने का, उन्होंने ऐसा कोई वो बाध्यकारी निर्देश नहीं है कि मुझे आज ही फैसला देना होगा। क्या उनका ये स्टेटमेंट कानून संगत है, तर्क संगत है? देखिए, लोकतंत्र के तीन खंभे हैं और जो स्पीकर हैं वो विधायिका के खंभे को रिप्रेजेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के खंभे को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों उससे उम्मीद की जाती है कि कानून के दायरे में काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि स्पीकर कहीं ना कहीं से गलत हैं जब वो, क्योंकि जो रिजिग्नेशन की जो प्रक्रिया है उसके तहत पुराने जमाने में तो ऐसा होता था 1974 के पहले कि अगर किसी ने त्यागपत्र भेज दिया तो त्यागपत्र स्वीकार माना जाता था, त्यागपत्र स्वीकार करने की कोई अलग से प्रक्रिया नहीं थी। उसके बाद फिर एक संविधान के संशोधन में ये बात आई कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जोर जबरदस्ती से त्यागपत्र दिलवाए जाते हैं। और 1999 में एक रोचक मामला आया है कि जब भाजपा के सांसद थे वर्मा जी और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उसके बावजूद फिर काम करते रहे, बाद में पता चला कि उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया है। तो त्यागपत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया जो वहां के विधानसभा के रूल्स में है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, तो त्यागपत्र स्वीकार करना चाहिए। और जब विधायक खुद मिल रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं, अब उसमें सवाल सिर्फ दो बातें हैं। पहले नंबर पर वो ये प्रकट करना चाह रहे हैं कि यह जोर जबरदस्ती दबाव है और वित्तीय प्रलोभनों के तहत ये विधायक त्यागपत्र दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पर वो चाहते हैं कि पहले नंबर पर रूल्स के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन की जो एप्लीकेशन लगी हुई है अगर ये व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जिससे कि फिर रिजिग्नेशन के त्यागपत्र को वो बाद में उसकी वो। लेकिन सवाल ये भी है विराग जी, इससे सरकार मैं आऊंगा सर आपके पास। अवधेश जी, कल के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है, आज स्पीकर कहते हैं कि हमें एक रात का और समय चाहिए कम से कम और वो अपने इसका काम लेंगे। इसका मतलब यही है कि सारा का सारा मसला एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने का है ताकि डिस्क्वालीफाई किया जाए और अपनी सरकार बचाई जाए, क्या इसी की कवायद चल रही है? देखिए, जो कुछ भी है वो है तो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन स्पीकर का जैसा विराग जी कह रहे थे, स्पीकर भी एक एक एक, एक बहुत ही संविधान के तहत एक गरिमामय पद है, उसको एक निर्णय लेने का अधिकार है और बिल्कुल निष्पक्ष होकर निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन स्पीकर की भूमिका पहले दिन से ही वो स्पीकर की बजाय एक पार्टी नेता जैसी हो गई। वो विधायक सही है गलत है उनका उनका अधिकार है कि हम विधायक रहे या ना रहे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बहुत बार तो फोन पर, मुझे याद है बीएल शर्मा प्रेम का फोन जो है, फोन पर उस समय संगमा साहब को उन्होंने कहा कि आप अगर असल स्पीकर हो तो मेरा त्याग पत्र स्वीकार करो, मैं फैक्स कर रहा हूं, और पीएस संगमा ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तो ऐसे अनेक अवसर आए हैं। देखिए, जब वो बैठे थे अपने कमरे में, उनको मालूम था कि इतने विधायक आ रहे हैं, वो वहां से उठ के बाहर चले गए और कह रहे हैं कि मैं तो एक बज के 30 मिनट पर था, ये लोग 2 बजे मेरे पास आए, एक तरीका होता है, मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए। वो सब वहां बैठे रहे, अंत में उनको सेक्रेटरी को इस्तीफा दे करके गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो छुट्टी का समय है, मैं मंगलवार को इसको देखूंगा। मंगलवार को देखा तो कहा कि नहीं, फॉर्मेट में नहीं है, केवल 6 लोगों का फॉर्मेट में है, जिनका फॉर्मेट में है उनसे भी मैं पूछूंगा कि आप स्वेच्छा से दे रहे हैं या कोई दबाव है। तो इसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज तक दीजिए, तब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए क्यों थे? और कल कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है विधायकों के वहां अपने विधायकों के लिए। तो जाहिर है अगर कल ये इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है
और ये उस विधानसभा में शामिल नहीं होते हैं तो इनको दल बदल के तहत लाया जाएगा। लेकिन दल बदल के तहत भी फैसला इतनी जल्दी नहीं होता है तो वो भी स्पीकर साहब को पता है। और कल जो अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि स्पीकर साहब को पास टाइम दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं टाइम की कोई जरूरत नहीं है, वो कल सुनवाई होगी, कल हो फैसला करके दे। तो कहा दल बदल विधेयक पर सुनवाई करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी हम कल देखेंगे। तो दल बदल पर इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होगी लेकिन सरकार बच जाएगी। एक अल्पमत में बिल्कुल दिखती आई हुई सरकार वो नैतिक है या अनैतिक है, जहां बिल्कुल साफ दिख रहा है वो स्पीकर की भूमिका से अगर उस सरकार को 3-4-5 महीने चलाने की कोशिश भी होती है तब भी इससे क्या मिलेगा देश को और क्या मिलेगा जनता सेकुलर और बिल्कुल पूछ लेते हैं कांग्रेस को, ये इसका रिएक्शन लेना जरूरी है। एक बार और बोल देता हूँ, कल इतने हंगामे के बावजूद कल दो विधायकों ने कल त्याग पत्र दे दिया और अभी अभी क्या करेंगे। मैं एक आध बात और पूरा करता हूँ फिर आप पूछिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कठिन समय में किसी भी पार्टी या व्यक्ति को जब विपरीत परिस्थितियां हो तो संतुलित होकर के शांत भाव से और बहुत परिपक्वता से कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस ये कर नहीं पा रही कि इसमें परिपक्व कदम क्या है। ठीक, 7 जून को कांग्रेस के तेलंगाना के 18 में से 12 विधायक TRS में शामिल हो गए, बिल्कुल देश में कोई हंगामा नहीं हुआ लेकिन वो शामिल हो गए और 6 और भी शामिल होने वाले हैं। अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस में जिसको शामिल कराए थे राहुल गांधी, उन्होंने 1 सप्ताह पहले कहा कि कांग्रेस अपने पार्टी बचाना ही नहीं चाहती है तो मैं इस पार्टी में क्यों रहूं, और वो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। और आप देखेंगे कि आज अगर भाजपा शिवसेना में यह समस्या नहीं होती कि हमको साथ मिलकर लड़ना है, हम किसको टिकट दें, तो वहां की आधी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी विधायक दल बीजेपी में मिलने के लिए तैयार बैठी। यही हम सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है और यही सवाल हम आज उठा रहे हैं। चाहे वो गोवा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, हम यही सवाल आज उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी को बिखरने से बचा पाएगा। यह आज का हमारा कड़क सवाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जो हम अलग अलग राज्यों में स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस की, जो छिटक रहे हैं, उनके विधायक इधर उधर जा रहे हैं, नेतृत्व का संकट है। क्या जो अभी नेतृत्व का संकट तो वैसे है कांग्रेस में, लेकिन जो बचा कुचा अभी शीर्ष नेतृत्व है, क्या वो पार्टी को बिखरने से बचा पाएगा, ये आज का हमारा कड़क सवाल। फेसबुक पर अगर आप हैं तो @ZeeBusinessOnline पर जाएं, हाँ या ना में अपना जवाब आप दर्ज कर सकते हैं। ट्विटर अगर यूज कर रहे हैं आप तो @ZeeBusinessOnline हमारा ट्विटर हैंडल है, हाँ या ना में अपना जवाब दें और आपकी जो भी राय होगी हम उसे शामिल करेंगे शो के आखिर में। चलिए सवाल मैं लेकर जा रहा हूं अब, बिल्कुल जो सवाल अवधेश जी ने उठाया, शुभ्रांश क्या करेंगे ऐसी सरकार को बचाकर और इस्तीफा स्वीकार करने में प्रॉब्लम क्या है, इतना लंबा वक्त क्यों ले रहे हैं आखिर, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो ये कहने की क्या जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हम पे बाध्यकारी नहीं है, हम तो अपना ही टाइम लेंगे, क्या साबित करना चाहते हैं स्पीकर महोदय से। दीपक, मेरी आपसे एक एडवांस में रिक्वेस्ट है, जितना आपने फ्रीली अवधेश जी को बोलने का मौका दिया अगर उतना नहीं दे सकते तो कम से कम 50% दीजिएगा, और प्लीज एक रिक्वेस्ट और है कि बीच में मत काटिएगा। अच्छा बोलिए, ठीक है, माना कि आज, सत्ता आज, में नहीं है लेकिन बीच में मत काटिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे मेरे सवाल का जवाब ही दीजिएगा, लेकिन आप ही के बात का जवाब देंगे सर, प्लीज सुनिए। अब सीधी सीधे तो आंसर फिजिक्स तो है नहीं ना कि यस नो में हो जाएगा, ऑलवेज डिस्क्रिप्शन रहता है। इन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि स्पीकर एक संवैधानिक पोस्ट है और उसको संविधान के दायरे में रहकर ये निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। शायद आज देश के वरिष्ठ पत्रकार बंधु लोग भूल गए हैं कि उससे पहले कर्नाटका के गुजरात से गए हुए राज्यपाल ने इलेक्शन के बाद क्या निष्पक्ष भूमिका निभाई थी, एक क्वेश्चन मार्क बड़ा वाला उस पर खड़ा कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, अब अभी आपने एक साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना हर जगह का जिक्र कर दिया तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि आप अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपके ऊपर भी आती है, सत्ता है आपके पास है, लेकिन जब जब एक रूल है, जब जब आप कमजोर होते हैं टूटते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बना लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आज के गवर्नर कल्याण सिंह जिन्होंने उत्तर प्रदेश और साथ कर हिंदुस्तान में भाजपा को खड़ा किया था, उन्होंने भाजपा को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, वक्त के साथ फिर वापस आ गए। जिस कर्नाटका की आप बात कर रहे वही BS येदुरप्पा, उनके नाम पे कमल खिला था, उन्होंने उसी पार्टी को तोड़ा अपनी महत्वाकांक्षा के बल पे, फिर चूंकि नंबर कम आया दोबारा आ गए। चलिए एक और नाम दे देते हैं, उमा भारती जो स्वच्छ गंगा जल को लेकर चली थी, उनके साथ भी कुछ घटनाक्रम घटा, उन्होंने भी पार्टी तोड़ा, नई पार्टी बनाई, वक्त के साथ फिर वो वापस आ गए। तो यही मेरा पुराना एक शब्द है। और रही बात जो हम बार बार ये पैसे का, स्पीकर का बिल्कुल यह मताधिकार है, उसका संवैधानिक अधिकार है, वो पूछे, क्योंकि वो जुडिशियली से इंस्पायर्ड होता है।
है। जज को पता होता है कि फलाने ने मर्डर किया है, लेकिन जब तक सारे सबूत के विटनेस जाकर कोर्ट में गवाही नहीं देते तब तक वो मान्य नहीं होता। तो सेम स्टोरी अगर स्पीकर के पास ये अधिकार है पूछने का तो वो पूछेगा, और वो इसलिए भी पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, डबल डीएनए में यूज कर रहा हूं, जिसमें पैसे का प्रचंड खेल चलता है। दो एग्जांपल आपको बता देता हूं, इनके पूर्व अध्यक्ष बंगारू दत्तात्रेय, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, पैसा लेते वक्त ये कहा कि पैसा खुदा, शुभ्रांश मेरी बात तो सुनिए, तो चूंकि शुभ्रांश विषयांतर आपके पास, आपसे शर्त यही थी, तोड़ तो चलेगा इसमें शुभ्रांश, आपसे शर्त यही थी मेरी कि आप विषयांतर नहीं होंगे। मेरा सिंपल सा एक सवाल था, खैर मैं अब सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास, मैं अभी नरेंद्र तनेजा जी के पास चलता हूं, आपकी बातों का रिएक्शन भी और उनसे भी ये सवाल कि फिलहाल बार बार जो आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी पर ही लग रहे हैं, और एक सवाल जो पूछा है उन्होंने कि विधायकों ने मुझसे आखिर संपर्क क्यों नहीं किया, क्या ये गलत नहीं किया उन्होंने, तो क्या वो सही कह रहे हैं कि स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत थी, अगर आपको किसी का डर था, और आज उन्होंने दावा किया है कि विधायकों ने उनसे ये कहा है कि उनको डराया गया और किसी के डर से वो मुंबई गए, तो कौन है वो जो उनको डरा रहा था और जिनके डर से वो मुंबई गए सारे विधायक? दीपक जी, आपने तस्वीरें तो देखी हैं उन विधायकों की, विधायक कौन चुन के आ सकता है? कोई छोटा मोटा कमजोर आदमी विधायक बन सकता है? कोई छोटा मोटा आदमी, कमजोर आदमी विधायक बनेगा? डर गए ऐसे लोग, ऐसे हमारे देश में विधायक बन सकते हैं? विधायक बनने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए होता है, इलेक्शन लड़ना पड़ता है, आसान काम होता है भारत में इलेक्शन लड़ना? कितने लोग लड़ सकते हैं जो आपके पैनल पे बैठे हैं और बन सकते हैं विधायक, पूछिए इनसे। देखिए, कांग्रेस आज एक ऐसे विमान की तरह है जो हवाई पटरी पर खड़ा है लेकिन उसमें आग लगी हुई है। कैप्टन राहुल गांधी छोड़ के भाग चुके हैं, जिसको मौका लग रहा है वो छोड़ छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि जहाज में आग लगी हुई है। और विमान में आग लग जाए क्या होता है, सबको अपनी जान बचानी है, अपना कैरियर भी बचाना है लोगों को। आप देख रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है, क्या बीजेपी करा रही है? अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी करा रही है? कमलनाथ जी और सिंधिया जी लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या बीजेपी करवा रही है? या राजस्थान में जो खेल चल रहा है मुख्यमंत्री उप में, क्या बीजेपी करवा रही है? या जो गोवा में हो रहा है, क्या बीजेपी करवा रही है? जो वहां है वो करा रही है? अरे जरा झांक के देखिए, ये सुर्खियों पे मत जाइए, कर्नाटक में हो क्या रहा है? सिद्धरामैया जी का फैक्शन क्या कर रहा है कांग्रेस का? खड़गे साहब का फैक्शन क्या कर रहा है? क्या लड़ रहे हैं ये लोग आपस में? स्पीकर साहब क्या बोल रहे हैं? कौन किसको फोन कर रहा है? खड़गे साहब क्या चाहते हैं? सिद्धरामैया क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? आग लगी हुई है, और उस सब में ये इनको यह है कि भाई ठीक है, एक ही बात बड़ी आसान होती है, बोल दो बीजेपी करा रही है। हमारे साथी आए वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का डीएनए, वो तो टट्रोल रहे हैं। अरे आप जिस विलासिता की जिंदगी कांग्रेस का प्रथम परिवार जीता है, आप जी के दिखा दीजिए मुझे उतने पैसे में जो एक एमपी को मिलता है। नहीं, लेकिन नरेंद्र जी, जिस निर्दलीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है उसने बीजेपी का समर्थन भी किया। मैं उसी पे आ रहा हूं, सुनिए बात सुनिए। देखिए, जो लोग वहां पे इस्तीफा दे रहे हैं, मैंने आपको बताया, उदाहरण दिया, लोग उनको कोई भी कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो एमपी हैं, एमएलए हैं या ऑर्डिनरी, उनको वहां कोई भविष्य नहीं दिख रहा, कोई फ्यूचर नहीं है, ना डायरेक्शन है, ना आइडियोलॉजी है, ना भविष्य। अब वो छोड़ के जा रहे हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं। अरे स्पीकर को चाहिए कि आज के जमाने में तो टेक्नोलॉजी है, अरे मोबाइल फोन उठा के आप बात कर लीजिए, पता कर लीजिए ये जेन्युइन व्यक्ति है या नहीं है, गलत इस्तीफा दिया है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, फेस टाइम कर लीजिए आप, और तमाम टेक्नोलॉजी के साधन होते हैं। लेकिन उनका मकसद कुछ और है स्पीकर साहब का, ठीक, उनका ये किसी तरीके से इसको विलंब करो, और सब उसके पीछे कौन है? उसके पीछे जो सिद्धरामैया जी, खड़गे साहब की जो लड़ाई चल रही है वो भी है। अब समझ नहीं, देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं हो, ये कर्नाटक की जो जनता है ये उसके साथ खेल खेल रहे हैं। और पिछले लोकसभा के रिजल्ट में आपने देखा कर्नाटक की जनता ने क्या जवाब दिया था। ये जो खेल खेल रहे हैं, जो बची खुची कांग्रेस आपको दिख रही है, छोटी मोटी गिनी चुनी दिख रही है, ये भी नजर नहीं आएगी, संभल के देखिए। स्पीकर साहब क्या कर रहे हैं, स्पीकर साहब अपना खेल खेल रहे हैं। अच्छा सुनिए, एक लास्ट लाइन, और देखिए जितना औरों को समय देते हैं उसका 25% तो दे दीजिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, 25% दे दीजिए तो मेहरबानी होगी आपकी। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, अच्छा दूसरा आप ये देखिए कि वहां पे जो स्पीकर साहब है उनका जो खेल है सबको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा कि भाई किसी तरीके से जो एंटी डिफेक्शन वो लेके आ। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, आज वहां जो सरकार बनी हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है।
गवर्नर साहब को आकर के उसमें इंटरवीन करना चाहिए और ऐसी सरकार जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है, जिसमें स्पीकर साहब अपना खेल खेल रहे हैं, ऐसी सरकार को एग्जिट गेट दिखाना चाहिए और उसके बाद जो भी कानून कहता है, संविधान कहता है, उसके तहत उनको आगे काम करना चाहिए। लेकिन जो आज जो सरकार है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार को एक घंटे वहां रहने का हक नहीं है। और आप देखेगा इवेंचुअली जो है जनता कर्नाटक की जीतेगी और बची कुची कांग्रेस जो है ये बैसाखिया तो छोड़ दी है, ये पैरों पर रगड़ती हुई आपको नजर आएगी पूरे देश में, यही भविष्य होगा। ठीक है आकुश श्रीवास्तव, आपका भविष्य देखते हैं और ये पूरी कवायद जो चल रही है आखिर किसके लिए चल रही है? क्या वाकई में एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए ही ये सारे मामले का पटाक्षेप कांग्रेस और जेडीएस करना चाहते हैं ताकि सरकार जैसे तैसे बची रहे? और जो सूत्र बता रहे हैं कि 16 से 20 भी हो सकते हैं इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या, तो फिर ऐसे में तो आज या कल या दो चार दिन के लिए सरकार बच भी जाए, भविष्य बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है जेडीएस कांग्रेस की सरकार। हाँ डोभाल जी, ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक इसलिए है कि जो विधायक आ रहे हैं वो सत्ता में जाना चाहते हैं। ये शर्मनाक इसलिए है कि ये सिलसिला राजनीतिक दलों ने फेविकोल, सत्ता के फेविकोल से जुड़ने के लिए किया है। ये शर्मनाक इसलिए है कि चाहे वो किसी भी तरफ रहे हैं, और खास तौर से अभी तो चलिए बीजेपी की सरकार है पिछले 4-5 साल से, लेकिन उसके पहले देश में 65 सालों में कैसा क्या हमने नाटक देखा है, और खास तौर से 60 के दशक के अंत से लेकर के अब तक एक भी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ है जिसमें कांग्रेस ने समर्थन देकर के सरकार पूरे कार्यकाल तक चलाई है, तो वो भी शर्मनाक था। तो इस समय नैतिकता की बात हम नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। ये शर्मनाक है कि देश के एक संविधान के पद पर बैठा हुआ बड़ा आदमी एक छोटी छोटी कानूनी नाखूनों की बात कर रहा हो कि मुझे लिख के भेजा गया, मुझे सेवा में नहीं लिखा गया, मुझे माननीय नहीं लिखा गया, या एक फॉर्मेट है। इस देश में कोई फॉर्मेट नहीं है विधायकों के लिए इस्तीफा देने का या चुन करके आने का, वो एक सीधा सीधा होता है जो चुनाव आयोग देता है, लेकिन इस्तीफे का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, एक लाइन का इस्तीफा होता है और बहुत सारी चीजें हैं जिसे कर सकते हैं। आपको किसने हक दे रखा है कि आप सोमवार को छुट्टी ले लें? आप नाटक कर रहे हैं ये सब करने का, और नाटक जब करते हैं वो आप एक पार्टी के पदाधिकारी होने की वजह से कर रहे हैं, आप स्पीकर होकर के नहीं कर रहे हैं। तो ये सब एक नाटकीय क्रम जितने चल रहे हैं, जितने भारतीय राजनीति में दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं, ये सब शर्मनाक हैं, और सिर्फ इसलिए हैं कि हम किसी तरीके से सत्ता में जुड़े रहें। लेकिन फिर वही है कि अब उसकी बात ना करके सिर्फ होता ये है कि हम कैसे भी सत्ता का एक रबड़ी चाटते रहें, और वो सब जगह हो रहा है। तो इसलिए इसको कोई नैतिकता से मत जोड़िए, इसलिए इसको कोई आगे पीछे की बातों से ना जोड़ाए, और सिर्फ संविधान के तहत जो हो सकता है वो होगा। इसमें क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में यही होगा कि कांग्रेस का भविष्य, जो अभी आप 2-4 स्टेट गिनाने को सोच रहे हैं, मुझे तो लगता है सिर्फ 2 राज्य को छोड़ दीजिए, जो जिसमें राजस्थान फिलहाल मानता हूं और पंजाब, इन 2 के अलावा बाकी जगह कांग्रेस की जो स्थिति होने जा रही है वो मिनिमम के लेवल पे होगी, और राष्ट्रीय स्तर पर वो और मिनिमम अभी होना बाकी है उसका। क्यों? क्योंकि उसमें एक नेतृत्व बढ़ने दिया ही नहीं गया, जो छत्रब तैयार किए जाने थे वो तैयार होने का मौका ही नहीं दिया गया। और इस सब के लिए ये जितना भी इस समय दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, गोवा, मुंबई और फिर यहाँ, और फिर स्पीकर का दौड़ते हुए जाना और झूठ बोलना, ये सब इसलिए हो रहा है क्यों? क्योंकि आपने लोकल लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। अगर ये मौका दिया होता तो वो शायद विश्वास एक केंद्र के लिए होता और अपनी पार्टी के केंद्र के लिए होता, और फिर वो चीजें मजबूत होती। जब पार्टी मजबूत नहीं होती है तो पूरी पार्टी विलय हो जाती। बार बार ये बात सामने आ रही है सर, दोस्त के पास चलता हूं। जी जी आपको गोवा में ऐसी क्या संवैधानिक मजबूरी थी जो 15 से 10 विधायक इस तरह से निकल गए? ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। हाँ, अगर आप नैतिकता पे देखेंगे तो शर्मनाक हो रहा है, जो हो रहा है उसमें तो कोई ठीक है। आप कह रहे हैं कि कोई भी दल हो उसमें नैतिकता की दुहाई देने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए, तो बार बार संतोष एक बात सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस में नेतृत्व अगर होता, राहुल गांधी अगर होते या कोई मजबूत नेतृत्व होता, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं होती जैसी कर्नाटक में हुई है। पूरा का पूरा संकट जो है, बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। क्या वाकई में आपको आपको लगता है कि ये कहना सही होगा कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत होता तो वहां पर संकट की स्थिति नहीं होती, या हम गलत आंक रहे हैं चीजों को राजनीतिक परिदृश्य के आईने से?
दीपक, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद मैं आपको वहां पे ग्राउंड में अभी सिचुएशन क्या है, पिछले एक घंटे पहले क्या हुई वो भी मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा। देखिए, जय श्री राम के नारे को बीजेपी ने गोद लिया है, पर राम भरोसे कांग्रेस है एक्चुअली आज के स्टेट में, और कांग्रेस राम भरोसे होते हुए उनके कांग्रेस के इर्द गिर्द रहने वाले और कांग्रेस के साथ चलने वाले कई नेताओं को ये लगता है कि अब इंतज़ार बहुत लंबा है। इस पार्टी में रहकर, इस संगठन के साथ रहकर उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ और उनके जो व्यक्तिगत हित हैं वो नहीं साधे जा सकते, तो इसीलिए वो जो जाने का, निकल कर जाने का जो दौर है वो अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत और लंबा चलेगा। जहाँ तक कांग्रेस की बुरी हालत का सवाल है, ये काल का पहिया है, जो काल चक्र है जो पूरा घुमा है। 80 के दशक में NTR की सरकार गिराते वक्त हमें याद है कि वो विधायकों को किस तरह इसी मुंबई में लाया गया था और होटलों में बंद करके रखा गया था। तो ये काल का चक्र है, घुमा है, घूमकर कांग्रेस के पास था वो पूरा एक समय और अब बीजेपी के पास है और वो हो सकता है फिर से घूमे। लेकिन जब संगठन और पार्टी सर्वोपरि होती है तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ तब होता है जब व्यक्ति ऊपर होता है या फिर पार्टी के अंदर एजेंट, पार्टी के अंदर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट, जो सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिस्ट विद इन सिंगल कोट्स होते हैं, वो जब पार्टी के संगठन के ऊपर हावी होता है तब ये सब कुछ होता है। भाजपा के अंदर, भाजपा भी कभी ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस का संगठन या सपा का संगठन वो किसी तरह से ब्रीच हो या जो मिनिमम डिसिप्लिन होता है जो एक खाटी राजनेता जो फॉलो करता है वो कभी भी ब्रीच करने का, एक अच्छा राजनीति की कभी भी उसको ब्रीच नहीं करता। लेकिन जो देश भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो उसका ब्रीचिंग का सीधा साधा उदाहरण है। कर्नाटक में अब हो क्या रहा है, कर्नाटक में पिछले 2 दिन से, मान के चलिए कि 2 या 2.5 दिन से ये चल रहा था कि अच्छा, ये तो मान लीजिए कि JDS के मुख्यमंत्री को, कुमारस्वामी को इस्तीफा देना तय है, ये पक्का है, क्योंकि कर्नाटक की एक विशेषता रही है कि कर्नाटक की सरकार को केवल, कर्नाटक राज्य की सरकार को केवल सरकार नहीं चलाना होता है, बहुत से इंडस्ट्री है, खान है, वहाँ पर सोना है, कोहिनूर सब कुछ है, वो बहुत ही संपन्न प्रदेश है, तो वो बिजनेस इंटरेस्ट, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट सबको ख्याल रखना पड़ता है। वो जो फाइन बैलेंस है वो कुमारस्वामी नहीं कर पाए हैं, जिस तरह से कभी SM कृष्णा कर पाए थे या फिर वो जैसे नेता कर पाए थे वो नहीं कर पाए। 1 साल 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, नहीं कर पाए, इस बात को प्रूव हो चुका है। कुमारस्वामी का जाना तय है, अब कुमारस्वामी के जाने के बाद कौन आएगा। पिछले 2 दिन से जो नाम चल रहा था वो था खरगे जी का, खरगे जी के नाम के जैसे ही आने के बाद में थोड़ा सा और छोक लगाया गया, थोड़ा सा और आज को बड़ा किया गया, थोड़े और इस्तीफे गए, तब संगठन को पता चला, पार्टी को पता चला कि ये भी नहीं होगा। तो फाइनली अब हमको जो सोर्सेस खबर दे रहे हैं वो सिद्धारमैया का नाम आगे आ रहा है, और सिद्धारमैया की एक विशेषता आप मान लीजिए, सिद्धारमैया वो व्यक्ति है जिसने JDS को कर्नाटक में खड़ा किया है। कुमारस्वामी और HD देवेगौड़ा फेस हैं, हालांकि सिद्धारमैया जैसे कई नेता हैं जिन्हें खड़ा किया है। JDS के अंदर भी आज भी कई ऐसे विधायक हैं जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो सिद्धारमैया के काफ़ी क्लोज हैं। कांग्रेस के अंदर जो विधायक दल आज की तारीख में है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द MLAs आर लॉयल टू सिद्धारमैया। कि दिल भी, जो भीष्म पितामह का वचन होता है ना, वैसा ही एक वचन दिल्ली के माँ और बेटे ने HD देवेगौड़ा साहब के साथ कर दिया और एक सिस्टम बन गया। ऐसे अननेचुरल सिस्टम ज्यादा दिन काम नहीं करते। तो जो नेता है जिसने, संक्षेप में जाना चाहूंगा, लेकिन सिद्धारमैया पर सहमति क्या बन पाएगी, क्योंकि देवेगौड़ा फैमिली से तो उनका 36 का आंकड़ा रहा है और जो पिछली सरकार बनी थी उसमें यही रहा था कि सिद्धारमैया को आप साइड रखिए, फिर हम सरकार पर आगे बात करेंगे, तो फिर तो नेतृत्व संकट फिर से उत्पन्न हो सकता है। देखिए, आज शाम को जो हमें खबर मिली है वो ये है कि देवेगौड़ा अपने MLAs के साथ में बाहर से समर्थन देकर कांग्रेस की सरकार को आगे चलाने की अनुमति देंगे, वो है हमने जो सुना है। हालांकि देवेगौड़ा जी का जो इतिहास है, ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी वो एक समय बाद वो हो सकता है कि जो हमारे मास्टर प्लानर हैं, जो फ्रीलांसर हैं बीजेपी के, हमारे जो नेता, उनसे हाथ मिला ले और बोले कि चलिए बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि कल जो व्हिप जारी हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पीकर का ये जो कहना कि मैं उसको डिले करूंगा वो उसका बेसिक। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है उसमें संतोष के जॉय ने, और संतोष के जॉय की इन्फॉर्मेशन के बाद एक जो बीजेपी का रहा है ये सारा किया धरा पर्दे के पीछे सिद्धारमैया का है, कम से कम वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है कि सिद्धारमैया फील्डिंग कर रहे थे
और दबाव बना रहे थे लगातार देवगौड़ा सरकार पर, कुमार स्वामी सरकार पर, कि वो पद से हटे, मुझे आगे करें और फिर कर्नाटक की सरकार बच पाएगी। तो कड़क सवाल हमने आज पूछा है कि क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी को बिखरने से बचा पाएगा, क्योंकि गोवा में एक बार फिर से संकट है। कर्नाटक हम देख ही रहे हैं, जिसका पटाक्षेप आज होने की उम्मीद थी लेकिन हुआ नहीं। इन सब के गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक पर फिर से लौटेंगे। और विराग गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अभी जो संवैधानिक स्थिति है उसके नजर हिसाब से कांग्रेस के पास क्या यही रास्ता बचता है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ लगा ले इन अपने विधायकों के खिलाफ और फिर सरकार को बचा ले, या उसमें भी कोई पेच है? टेक्निकल स्थिति क्या है, कैसे सरकार बचा सकती है और किन परिस्थितियों में कांग्रेस का खेल धरा का धरा रह जाएगा? देखिए, इन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि सरकार फाइनली बच पाएगी। हाँ, उसको कुछ दिनों तक डिफर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने आज की तारीख में विधायकों का समर्थन खो दिया है। अब दो ही परिस्थितियां हैं कि क्या बगैर नए चुनाव के दूसरी भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी, या किसी तरीके से विधानसभा भंग होगी और नए चुनाव होंगे। पर अब उसके बाद गेंद आएगी राज्यपाल के पाले पर। पर मैं दो जरूरी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज आपके कार्यक्रम का नाम है कर नाटक, तो कर के बारे में एक बहुत अच्छा संघ परिवार में एक प्रातः स्मरण होता है, वो श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह उठकर के हाथ के दर्शन किए जाते हैं और उसमें लक्ष्मी, गोविंद और सरस्वती का वास होता है। पर कर्नाटक से लग रहा है, जैसा कि अकुश श्रीवास्तव जी ने बताया है, कि वहां सिर्फ लक्ष्मी ही है जो खनिज माफिया है, वो चाहे कांग्रेस की तरफ हो, चाहे भाजपा की तरफ हो, चाहे जेडीएस की तरफ हो। तो वहां पर जो पूरा राजनीतिक संकट है, राजनीतिक संकट नहीं है, ये एक आर्थिक संकट है विधायकों का। मैं एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा विधायक है जो जीतने के बाद राजनीतिक आत्महत्या करके त्यागपत्र देना चाहेगा? उसका वैचारिक विरोध हो सकता है कांग्रेस से, जेडीएस से, लेकिन वो त्यागपत्र क्यों देगा? वो संघर्ष करे, अपनी बात रखे, लेकिन ये जो त्यागपत्र की बात है, इसका मतलब यह है कि किस हद तक सत्ता की मलाई का राजनीतिज्ञों ने लाभ लेने की वो किया है कि वो अब त्यागपत्र देकर के भी उस लाभ को लेना चाहते हैं। दूसरा एक सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव में इस तरीके के संकट जब आएंगे तो उसके समाधान के लिए कहा जा रहा है कि जब तक वैकल्पिक पार्टी को मैंडेट नहीं मिलेगा, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो पुरानी पार्टी सत्ता नहीं छोड़ेगी। तो इन परिस्थितियों में अगर आज ये व्यवस्था होती तो कर्नाटक में क्या यही पार्टी, क्योंकि आज की तारीख में भाजपा के पास तो मैंडेट है नहीं, अगर भाजपा के पास मैंडेट होता तो वो राज्यपाल के पास जाते, बोलते कि हम सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर एक देश एक चुनाव लागू होता तो क्या हम ये एक गैर संवैधानिक सरकार को जारी रखते, जिसके पास मैंडेट नहीं है, जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है, नई सरकार, नई पार्टी के पास है नहीं? तो मुझे लग रहा है कि जो संविधान है वो नैतिकता से चलता है और राजनेताओं के पास नैतिकता के अलावा सारी चीजें हैं। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि कर्नाटक का ये जो सारा का सारा ड्रामा हो रहा है, ये सत्ता की मलाई के लिए हो रहा है। और बार बार हमारे पैनलिस्ट इस बात को दोहराते आए हैं कि कर्नाटक एक सोना उगलने वाला राज्य है, यह भी कहा जाता है, इसलिए सबकी नजर इस पर होती है। अवधेश जी, क्या यही वजह है कि सरकार कोई भी हो, नाटक हमेशा कर्नाटक में यही चलता है, क्योंकि सत्ता की मलाई पीछे है? कर्नाटक का जो सोना है, जो अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है, वही सब इसके पीछे है। कर्नाटक का इतिहास तो यह भी है कि वहां हेगड़े ने लोकसभा चुनाव में जनता दल को बहुमत नहीं मिला तो बिल्कुल नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया अपनी सरकार से, और फिर दोबारा चुनाव ये हार गए। कर्नाटक ने अच्छे उदाहरण भी पेश किए हैं, लेकिन जब से ये कुमारस्वामी टाइप के पॉलिटिशियन आ गए हैं, आपको इन्होंने तो कांग्रेस को भी समर्थन दिया था, सरकार दो साल में वापस कर लिया, फिर ये बीजेपी के साथ चले गए। 20-20 महीने के इनका हुआ था कि 20 महीने ये रहेंगे, 20 महीने येदुरप्पा रहेंगे, 20 महीने कुमारस्वामी साहब रह गए मुख्यमंत्री, और जब येदुरप्पा का समय आया तो ये अलग हट गए। तो उस समय से ये कर्नाटक का चला है, लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में भी कह रहा हूं। देखिए, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें से कोई भी निर्धन या गरीब परिवार का विधायक नहीं है, ये सब अरबपति विधायक हैं, आपको समझना है। दूसरी बात कि मिनिस्टर रहते हुए आप त्याग पत्र दे रहे हैं, मिनिस्ट्री से भी त्याग पत्र दे रहा है और पार्टी से भी त्याग पत्र दे रहा है, इसलिए केवल यह कहना कि यह केवल मलाई के लिए है या कुछ अतिरिक्त पाने के लिए है, इस पर पूरा कसौटी पर खरा नहीं उतरती है। तीसरी बात,
कि सरकार में अगर कांग्रेस और जेडीयू है तो उसके पास मलाई देने के साधन और अवसर बहुत ज्यादा है, वो दे सकते हैं मलाई और साधन। इसका मतलब यह है कि विधायकों में इतनी ज्यादा संख्या है शायद पाने वालों की, जिनको वो दे नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि पिछले दिनों जो बात मैं बोल गया था उसको मैं फिर से दोहराऊं। देखिए, ये सरकार एक दिन भी अपने स्वाभाविक सहज और स्मूथ तरीके से कर्नाटक में नहीं चली है। पहले दिन जिस दिन सरकार ने शपथ लिया उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर के क्या हुआ और कैसे कांग्रेस के विधायक सिद्धारमैया के घर पर गए और कितना हंगामा हुआ सबको पता है। सरकार बनने के केवल 14 दिन बाद जनता दल एस का अधिवेशन हुआ है प्रांतीय, जिसमें कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने जेडीएस को हराने के लिए जगह जगह काम की और बीजेपी का सीट आगे आए, हमारी सरकार जरूर बन गई है लेकिन हम इसको अस्थाई मान के नहीं चलते हैं। और उनके बेटे ने उसी में भाषण दिया था कि हमको मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके बाद 13 जुलाई आया, जब उनका रिसेप्शन हो रहा था, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो खुश हो कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, मैं एक अफसर का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता हूं, एक अफसर का तबादला नहीं कर सकता हूं, कोई एक एलोकेशन नहीं कर सकता हूं डिपार्टमेंट का, और रोने लगे कि मैं तो विस्कंट हूं, नीलकंट हूं, विष पी रहा हूं। तो ये एक दिन भी ये सरकार जो है सही तरीके से चली नहीं है। तो जो विधायकों का विद्रोह पहले भी हुआ है वो केवल, मैं ये नहीं मान सकता हूं कि केवल संपत्ति के लिए, केवल पैसे के लिए, केवल पद के लिए हुआ है, वो मिनिस्टर है। इसके पीछे एक व्यापक कारण भी है कि जब क्षेत्र में जाते हैं और जब सरकार का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दिखता है और उसके आवाज पर क्वेश्चन उठती है और वो जब मांग करते हैं वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि सिद्धारमैया के अलावा किसी की हैसियत आज नहीं बची है कि कोई भी फैसला सरकार से करवा सके, जो हालत है। आपने भी नाम लिया सिद्धारमैया, जनता दल एस को खड़ा करने में भूमिका थी, बिल्कुल थी, लेकिन जनता दल एस को तोड़ने में भी सिद्धारमैया की पूरी भूमिका थी। जिला जिला में वो जब मुख्यमंत्री हुए उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, उन्होंने विधायकों को तोड़ा और जनता दल एस को बर्बाद कर दिया। तो आप समझते हैं कि इतनी बड़ी दुश्मनी के बाद अगर आप नरेंद्र मोदी और भाजपा के नाम पर इकट्ठा करके आप सरकार चला लेंगे, और लोकसभा के चुनाव ने बहुत कुछ दिखा दिया। सिद्धारमैया का नाम बार बार आ रहा है, समझने की जरूरत है कि जनता की मनोभावनाओं को देखते हुए नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में लग रहा है, उन्होंने इसका विरोध किया है। लेकिन मुझे नरेंद्र तनेदा जी के पार्टी से सहानुभूति हो रही है कि सेंटर में भी इनकी पार्टी, प्रदेश में भी इनके पास ताकत, 105 इनके पास विधायक है, इतनी हैसियत नहीं है कि 7-8 विधायक को किसी प्रकार ले सरकार बना ले, कैसी पार्टी है भाजपा, मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। करेंगे उनसे बात, करेंगे इस मामले में बात करेंगे। लेकिन शुभ्रांश, आपसे मैं सवाल लेना चाहता हूं, संसद से लेकर सड़क तक आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और यहां पर जो विलन ऑफ द स्टोरी है वो निकल रहे हैं सिद्धारमैया, क्या कहेंगे आप? सारी थ्योरीज एक ही ओर इशारा कर रही हैं, सिद्धारमैया सिद्धारमैया सिद्धारमैया। फिर से वही रिक्वेस्ट कि जो भी समय दीजिएगा प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा और इनका आधा भी दे दीजिएगा। चलिए ध्यान से, जिन्होंने 2-3 बातों का जिक्र किया, पहला जिक्र ये किया कि उन्होंने अपने रिसेप्शन में कहा कि मैं एक भी अफसर को न तबादला कर सकता हूं न अपॉइंट कर सकता हूं। शायद अवधेश जी भूल गए, दिल्ली में रहते हैं, मोदी 1.0 में प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ को छोड़कर गृहमंत्री भी अपना पीएस नहीं हायर कर पा रहे थे, बाकी मंत्रियों को तो छोड़ दीजिए, तो सुपवा यहां से संगे संगे चलनी, यहां से वो नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो पीछे तनेजा जी ने कहा था, अभी मेरी थोड़ी सुई की घड़ी वहीं रुकी पड़ी है, घड़ी की सुई सॉरी, उन्होंने कहा कि राजनीति जो है एक कैरियर है, एक अपॉर्चुनिटी है और हर विधायक ये देखता है कि भैया पार्टी जो है वो डूब रही है, जहाज जो है जल रहा है, तो हम उतर कर अपना जान बचाए और अपने कैरियर को सिक्योर करें। बिल्कुल आपने सत्य कहा साहब, हम तो आपके मार्गदर्शक हैं, बिल्कुल मैं आपको फॉलो भी करता हूं, लेकिन मुझे एक लाइन याद आ गई, वो इसलिए आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने की तैयारी कर रही थी पिछली बार, तो मोदी जी कहा करते थे कि इस देश को हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन सत्य कुछ उल्टा हुआ, आज की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त भारत हो गई। और दूसरी बात कि जो बाहर से जितने भी लोग मक्खन मलाई के उद्देश्य से आ रहे हो, चाहे एमपी हो, चाहे राज्यसभा के एमपी हो या जो भी एमएलए हो, उनको तो पद भी मिल रहा है, कद भी मिल रहा है, लेकिन दुख उन लोगों के बारे में हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20-30 साल से बैठे हैं और टिकट मिलना तो दूर, कहीं पे भी नहीं पूछ में है। तो जो नया आ रहा है वो सत्ता की मलाई खा रहा है और जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो बस दूर से टाटा बाय बाय कर रहा है, और हो भी यही रहा है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्म उत्थान जो भी था वो हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर था, लेकिन आज मोदी 2.0 आने के बाद उनकी टैगलाइन ही बदल गई। और अब आपने तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिक्र किया था कि इस पैनल में बैठे हुए लोग कोई भी क्या चुनाव लड़ने वाला है। तनेजा साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, पीछे राजनीति में अब अभी आए हैं, आपको शायद नहीं लड़ना होगा, लेकिन यह मान लीजिए कि अगर 37 साल की उम्र में शुभ्रांश कुमार राय आकर यहां एक घंटे भाषणबाजी कर रहे हैं तो उद्देश्य बिल्कुल राजनीतिक है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। और आपने बिल्कुल सत्य कहा, कैरियर अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति का होता है, रही बात यह बहुत कम लोग होते हैं जो सत्ता के खिलाफ रुक कर इंतजार करते हैं, और ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। 1947 की आजादी से लेकर 2019 तक कांग्रेस कई बार टूटी, जितने आपने बात रखी अपनी वो तोड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस के चाहने वाले लोगों की संख्या 12.5 करोड़ है। अगर एक आदमी ने एक आदमी को कन्विंस किया और मैंने तनेजा जी को कन्विंस कर दिया तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य होंगे। चलिए ठीक है, ओके शुभ्रांश। तनेजा जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? और जो अवधेश जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या अगर वक्त मौका मिला तो क्या बीजेपी तैयार है कर्नाटक में सरकार बनाने की, क्योंकि पर्दे के पीछे तो लग रहा है सारी कवायद यही है कि सरकार कैसे ना कैसे बन जाए वहां पर। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। देखिए, अवधेश जी ने भी और शुभ्रांशु जी ने भी वो कर्नाटक को छोड़ दिया, सिद्धरामैया जी को छोड़ दिया, खड़गे साहब को छोड़ दिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी पे निशाना लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इस सबसे कुछ ना कुछ हम देख लेते हैं इसमें क्या अच्छा है, उसको ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन कर्नाटक में हो क्या रहा है? देखिए, जो कर्नाटक हो रहा है वो बहुत पूरा देश उसको देख रहा है कि जो भारत कांग्रेस पार्टी है किस तरह भस्मासुर की तरह जो बची खुची बची है उसको उसका कैसे अंत कर रही है, और यो को लड़ाई हो रही है वहां पे, आपको भी पता है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जब अंदर वाले ही जो आपस में मिलके खत्म कर रहे हैं तो हमको हम अपनी ऊर्जा क्यों उस पे जो है वेस्ट करें, जरूरत नहीं है। हकीकत यह, आपको भी देखना, आपने संतोष जी को सुना है ना, उन्होंने कितना विस्तार से बताया कि वहां दरअसल हो क्या रहा है, और हकीकत भी यही है, और हमको भी पता है वहां क्या हो रहा है। इस प्रोसेस में जो बची खुची कांग्रेस है वो खत्म हो जाए, और JDS जो है वो भी, जो वो तो खैर पता ही है वो किस तरह की उनकी राजनीति में वो क्यों है सब लोग जानते हैं, है ना। वो तो वो सब बड़े बड़े लक्ष्मी जी के उपासक लोग हैं, वो तो वो लक्ष्मी जी के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, है ना। तो इसलिए जो है वो अपना जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं, मैंने कहा कैरियर की बात हुई कि भाई लोग आ रहे हैं, अरे भाई जो लोग छोड़ करके आ रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं वो, उनको देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नजर नहीं आ रही, तमाम लोगों को नजर नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की बीजेपी में ना आ जाए अगर यही हालत बनी रही तो, है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि सवाल इस बात का है कि बीजेपी में आ जाएंगे तो जो बीजेपी में एग्जिस्टिंग लोग क्या करेंगे, क्योंकि सत्ता तो पिछली बार भी अगर मुझे मैं गलत ना हूं मोदी 1.0 में तो जितने लोग बाहर से आए थे, कांग्रेस से आए थे, RJD से आए थे, JDU से आए थे, अलग अलग पार्टियों से आए थे, मिनिस्टर वो बने। ठीक है शुभ्रांश, ठीक है अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, यहाँ तक की दिल्ली का ही देख लीजिए। देखिए मुझे सुन, मैं अपनी बात कह लूं, देखिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको बड़ी चिंता है इस बात की, जो भारतीय जनता पार्टी में पुराने लोग हैं आपको लग रहा है उनको मौका नहीं मिल रहा, बाहर वालों को ज्यादा मिल रहा है। तथ्यों को उठा करके देख लीजिए कि दरअसल इसमें सच्चाई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप चाहें तो उसका मजाक उड़ा सकते हैं, पर हम लोगों के अंदर इस तरह की, हम लोग कोई भी बात ही नहीं होती हम लोगों के आपस में। हम लोग पार्टी में आए हैं कुछ ही विचारधारा को लेकर के, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी उसी लाया, मुझे आप, मैं चैनल पे आपके प्राइम टाइम पे बोल रहा हूं, मेरी कोई एम्बिशन नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पार्टी से, है ना। तो दरअसल नहीं है, जो कुछ देश दे चुका है बहुत कुछ दे चुका है, कम नहीं दिया है देश ने, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तमाम लोग इस भावना से आते हैं भैया एक देश आगे बढ़े, और उसके लिए राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म होती है, एक अच्छा मंच होती है, तमाम लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन हम लोग आपको देखना चाहेंगे किसी बड़ी जिम्मेदारी में जुड़ना चाहते हैं तो अच्छा नहीं, सब देखिए अब ये तो सब ईश्वर है वगैरह, लेकिन मैंने हम इसलिए नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा ये चाहता है कि अगर कुछ लोग आना चाहते हैं, कल शुभ्रांशु जी हैं, अच्छा बोलते हैं और सब कुछ बहुत अच्छी बात है, बड़ी क्लैरिटी, अगर ये कल भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं कल शाम को 11 बजे में पार्टी के हेड ऑफिस में आ जाइए, कॉफी भी पिलाएंगे और आपको शामिल करेंगे। तो मेरे घर से बहुत प्यार है, नहीं लेकिन अच्छे, लेकिन नहीं लेकिन लेकिन जो अवधेश जी का सवाल था नरेंद्र जी, उसका जवाब दे दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि अच्छे लोग नहीं,
पार्टी, देखिए सवाल इस बात का, ये बहुत जरूरी है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जितना प्यार कर्नाटक के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये बहुत आवश्यक है कि उनके दिमाग में, सोच में कहीं अगर ये बचाए कि कांग्रेस जैसी पार्टी कर्नाटक का भला कर सकती है, वो भी खत्म हो जाए, निकल जाए, हम उनको टाइम दे रहे हैं, सोच ले, देखिए ये पार्टी का असली चेहरा क्या है, आपस में लड़के कर्नाटक का किस तरह से, कर्नाटक की जो अस्मिता है, उसका प्राइड है, उसका सम्मान है, उसकी ये लोग होली जला रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, ये है कांग्रेस पार्टी। ठीक है सर, ओके। और जैसे मैंने कहा कि अब ठीक है किसी भी वो, और ये इसीलिए जो देखिए अंत में वहां पे, एक मैं आपको आखिरी बात कह दूं, अंत में वहां पे जब जनता जो चाहती है वही होता है, लोकसभा का रिजल्ट जो है वो क्लियर दिखाता है, वहां की जनता ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार हो, और जो लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, वहां पे सरकार बीजेपी की ही बनेगी और वही उसका विकास कर सकती है। ये सिद्धरामैया जी, खड़गे जी, ये सब जो है ये व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। कर्नाटक की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, और ये जैसा कांग्रेस वैसा जेडीएस, इन्होंने बड़े सारे मतलब लिटरेचर दे दिया, लेकिन शायद तनेजा जी दिल्ली में बैठे बैठे बिहार भूल गए कि सुशील मोदी जी ने बिहार को कब्जा करने के लिए नीतीश जी और लालू जी के गठबंधन को किस तरह तोड़ा और किस तरह से अपने आप को प्रमोट किया। साहब आपने बिल्कुल सत्य कहा, सेवा अपनी जगह, सेवा ऑन स्क्रीन अच्छी लगती है, लेकिन उद्देश्य तो उसका मलाई है जो सुशील मोदी भी कह रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन मानते हैं जिसको बुझा दिया, हाँ। क्या क्या व्याख्या है? चलिए आकु श्रीवास्तव, क्या फ्रेश चुनाव, एक नए सिरे से फ्रेश इलेक्शन ही परिणति है कर्नाटक के फिलहाल आने वाले समय में, इसी से संकट दूर होगा? दीपक, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता कि अभी फिलहाल वहां पर विधानसभा चुनाव ऐसी पुनः कराने की कोई स्थिति बन रही है। असल में होना वही है जो, क्योंकि अब 28 में से 25 सांसद वहां भाजपा के चुन लिए गए हैं, उन सांसदों को अपनी चिंता है कि अगर ऐसे ही हमारा स्टेट चला तो बर्बादी के राह पर होगा और हम कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, तो वो उनको दिखाने की मजबूरी है। विधायकों के सामने ये मजबूरी है कि जिस तरीके से हम सरकार चला रहे हैं उसमें कुछ हम दिखा नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं और जनता के लिए नहीं हो पा रहा है। अगर आप कुछ नहीं तो कुछ बड़े शहर वहां चले जाइए, कर्नाटक के बेंगलोर है, मैसूर है, इतना बुरा हाल है, सिविक जितनी भी चीज़ें हैं, रोड्स का, बाकी और चीज़ों का, आप वोट लेते हैं लेकिन वोट के बदले में हम क्या दे पाते हैं ये जरूर हमें हिसाब लिया जाता है। तो इस समय जो स्विच ओवर हो रहा है वो इस वजह से भी हो रहा है कि किसी तरीके से वहां पर हम एक डिलीवरी कर पाए। डिलीवरी और एश्योरेंस में बहुत अंतर होता है, ये वैसे ही अंतर है जो किसानों के लिए 2000 तीन बार दिए जाने वाला था उसमें, और न्याय के लिए 172,000 दिए जाने वाला। तो एश्योरेंस से वो मुक्त होना चाहता है वहां कर्नाटक वाला, और वो उसको चाहिए डिलीवरी। ये विधायक कराना चाहते हैं, सांसद कराना चाहते हैं, और ये उनकी चिंता भी है, इसलिए शायद ज्यादा स्थितियां इस तरह से हो रही हैं। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा लंबा नहीं कार्यकाल होना है, क्योंकि जो उफान पिछले मई में गाल पे गाल मिला करके सोनिया गांधी और मायावती के साथ शुरू हुआ था, वो इस नई सरकार के आने के बाद से उसका उल्टा क्रम शुरू हो चुका है। और ये धीरे धीरे, जैसे गोवा में हुआ, कोई जरूरत नहीं थी इसलिए हुआ, लेकिन ताकि मजबूती दिखाई दे लोगों को। और मैंने पहले भी उल्लेख किया कुछ राज्यों का, वहां पर और न्यूनतम होना है अभी कांग्रेस को, और उसके बाद फिर एक मंथन होगा जिसमें से कई चीजें निकलेंगी। अभी फिलहाल वहां मुझे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि चुनाव होंगे, क्योंकि मोदी जी खासतौर से जो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन वाला है उसमें तो ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं फिट बैठता, इसलिए ये संभावना मुझे अभी बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। ठीक है संतोष, आपने सिद्धरमैया का जिक्र किया और एक पर्दे के पीछे की जो तस्वीर है वो भी हमारे दर्शकों के सामने रखी, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिद्धरमैया वो, और जैसा कि अकू ने इस बात को खारिज किया है कि फिलहाल सरकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, पार्टी जेडीएस और कांग्रेस के बीच में नेतृत्व परिवर्तन पर बात जरूर बन सकती है, और सिद्धरमैया का आपने जिक्र किया, सवाल ये उठता है कि सिद्धरमैया क्या फिर एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट दे पाएंगे वहां पर, उनमें वो करिश्मा है कि वो स्थिर रख पाए सरकार को कुछ टाइम के लिए?
ये दीपक, ये बहुत अच्छा सवाल है और यही इसी सवाल के बारे में सभी राजनेताओं को और इस देश की पार्टियों को और सभी लोग विद्वानों को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी नरेंद्र तनेजा जी मेरे करियर में मेरे सीनियर हैं, मेरे प्रोफेशन में मेरे सीनियर हैं, कुछ हद तक मैं इन्हें जानता हूँ, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बात कही कि मुझे पार्टी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, हम सेवा करने यहाँ पर आए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं बीजेपी में और ऐसे बीजेपी में शामिल होने वाले लोग भी बहुत हैं जो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पार्टी में ये कहकर शामिल हो रहे हैं कि मेरे पास जो है वो मुझसे छीनिएगा मत। आंध्र प्रदेश में हुआ, अभी तेलंगाना में हुआ। बेसिकली आप इस बात की वो डायनामिक्स को समझिए, कर्नाटक जैसे प्रदेश में, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के जो राजनेता हैं वो दिल्ली से कुछ मांगते नहीं हैं, दिल्ली से कुछ लेने के लिए नहीं राजनीति में शामिल होते हैं, वो अपने आप में उनका वर्चस्व होता है, वो बड़े बड़े कद के लोग होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, उनका बस ये होता है कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए या वो जो कर रहे हैं उसको परेशान ना किया जाए। अदरवाइज क्या कारण हो सकता है कि एक निर्दलीय विधायक जो दो महीने पहले असंतुष्ट की जो लहर चली थी उसके बाद उसे मंत्री बनाया गया और वो दो महीने बाद ही इस्तीफा देकर भाजपा के सांसद के एयरक्राफ्ट पर चढ़कर मुंबई पहुंचता है, क्या कारण हो सकता है? बेसिकली कारण यही है कि उन्हें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है और वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला मुख्यमंत्री अगर उस प्रदेश में ना हो तो उस मुख्यमंत्री को बदला जाना उनके हित में है। हम जो आप जो बेसिक आपने सवाल पूछा था, आज कांग्रेस और जेडीएस की सरकार के साथ विधायक छोड़कर जा रहे हैं, कल ये बीजेपी के साथ भी हो सकता है। बैंगलोर जैसे, कर्नाटक जैसे प्रदेश का दिल्ली में कौन है, कितने बड़े कद के लोग हैं, इससे नहीं फायदा होता, वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट की बात करते हैं। कल अगर भाजपा सरकार बना ले, येदियुरप्पा जी अपनी पूरी कोशिश कर लें, अगर उनके उनके इशारों पर नहीं नाचा गया तो हो सकता है वो छोड़कर वो अलग किसी दल में चले जाए, फिर सरकार गिर जाए। तो ये बात जो आपने सवाल पूछा, ये जवाब मैं देने लायक परिपक्व नहीं हूं, ये राजनेताओं को बैठकर सोचना चाहिए, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को बैठकर सोचना चाहिए। एक बात जो सबसे बड़ा निराशाजनक है वो ये, बीजेपी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से आप आज फोन करके पूछ लीजिए, दीपक जी आपका फोन उठा लेंगे वो लोग, उनसे पूछिए कि कर्नाटक में क्या चल रहा है, पार्टी का क्या प्लान है, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संगठन नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, कोई ये इस बात का फैसला करके, कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये एक फ्रीलांसर का मूव है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ठीक है, ऑलराइट। उसी के साथ कड़क सवाल का जवाब लेने का वक्त आ चुका है, मेरे पास वक्त की कमी है, 5 सेकंड अगर आप ले दो अवधेश जी, 5 सेकंड। हाँ बिल्कुल, मेरा अपना मानना यह है जो मैंने समझा, इस सरकार का समय खत्म हो चुका है, आने वाले समय में येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनना निश्चित है, उसके बाद जब विधायक त्याग पत्र दिए हैं वो चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की बहुमत की सरकार चलेगी, आराम से समय कटेगा। ये मैं आपके सामने अपने पत्रकारिता के जीवन के निष्कर्ष के आधार पर यहां से बोल के जा रहा हूं। चलिए, तो देखने वाली बात जरूर होगी कि अवधेश जी की बात कितनी हद तक सही साबित होती है। तनेजा जी माफी के साथ, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, कड़क सवाल का वक्त ले लेते हैं, आई एम सॉरी सर, एक सेकंड, जरूर जरूर इस पे हम बात करेंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो पार्टी को बिखरने से बचा पाएगा, ये हमने अपना सवाल पूछा था आज, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार यही सवाल उठ रहा है कि कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, जो बार बार संकट उत्पन्न हो रहा है ये नेतृत्व की वजह से हो रहा है। हालांकि उस पर चर्चा बहुत कम आज हो पाई, ज्यादातर हम कर्नाटक पर चर्चा कर पाए, लेकिन फिर भी जो व्यूअर्स का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी को बिखरने से नहीं बचा पाएगा। 87% लोग इस बात से सहमत है कि नहीं बचा पाएगा, 13% लोग कहते हैं कि बचा लेगा। यह था हमारा कड़क सवाल, अब फटाफट से डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच का वक्त हो चुका है, देख लेते हैं किसे थे। स्पीकर भी एक बहुत ही संविधान के तहत एक गरिमामय पद है, उसको एक निर्णय लेने का अधिकार है और बिल्कुल निष्पक्ष होकर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन स्पीकर की भूमिका पहले दिन से ही वो स्पीकर की बजाय एक पार्टी नेता जैसी हो गई। जय श्री राम के नारे को बीजेपी ने गोद लिया है, पर राम भरोसे कांग्रेस है एक्चुअली आज की स्टेट में, और कांग्रेस राम भरोसे होते हुए उनके कांग्रेस के इर्द गिर्द रहने वाले और कांग्रेस के साथ चलने वाले कई नेताओं को ये लगता है कि अब इंतजार बहुत लंबा है। तो वहाँ पर जो पूरा राजनीतिक संकट है, राजनीतिक संकट नहीं है, ये एक आर्थिक संकट है विधायकों का। मैं एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा विधायक है जो जीतने के बाद राजनीतिक आत्महत्या करके त्यागपत्र देना चाहेगा? संविधान है वो नैतिकता से चलता है और राजनेताओं के पास नैतिकता के अलावा सारी चीजें हैं।
और इसी नोट के साथ बहुत बहुत बधाई अवधेश जी और संतोष के जॉय आपको डायलॉग ऑफ द डे के लिए और मैन ऑफ द मैच के लिए विराग गुप्ता आपको बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर देखने वाली बात जरूर होगी कर्नाटक में जो पूरा नाटक चल रहा है उसका पटाक्षेप किस तरह से होता है, लेकिन फिलहाल ऐसे आसार तो नजर नहीं आते। इसी के साथ हम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया हम करना चाहेंगे देश की जनता का देश की बात के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।